हेलो गाइस, वेलकम टू आरके क्रिएशंस। जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं, बजाज पल्सर N250 ब्रुकलिन ब्लैक, ब्लैक कलर में ही है। तो जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है आज, ये जो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, ये जो हाई बीम लो बीम में और जो रात के टाइम पे इसका लाइटिंग सेटिंग करते हैं अपने पुराने गाड़ियों में, जैसे NS में, 220 में पूरा सिल्बी मार के उसमें हैलोजन बल्ब रहता था, तो पीछे से इसमें एक स्क्रू रहता, वो स्क्रू से हम लोग गाड़ी का जो लाइट जो है उसको सेटिंग कर लेते थे। तो अब ये पूरा LED का प्रोजेक्टर लैंप है और यहाँ देख सकते हैं ये पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो इसको कैसे सेट करना मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे ख्याल से यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है ये बजाज को लेके, R15 M में तो ऑलरेडी है शायद वीडियोस, लेकिन बजाज को लेके हमारे चैनल पे पहला वीडियो है। और इसको सेट करने से पहले जो गाड़ियाँ थे उसको एक राइट साइड में यहाँ एक स्क्रू आता था, तो स्क्रू ड्राइवर से उसको लूज़ और टाइट करने से जो लाइट है ये ऊपर नीचे और उस लाइट सेट कर लेते थे। तो अब ये गाड़ी में जो है इसको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे एक रेगुलेटर दिया उन्हें लेफ्ट साइड में। तो आप लोग ये देख सकते हैं रेड कलर का प्लास्टिक का रेगुलेटर, इसको ऐसा राउंड फिराने से ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये ऊपर नीचे और ऊपर नीचे होता, जब हम लोग इधर लाइट फोकस करते तो लाइट की सेटिंग करता होने इसको जो है इसको जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग ऐसा घुमाते तो ये पूरा हिलता, हिल के जो अपने जो हिसाब से सेट करना है वो हिसाब से सेट कर ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग इसका जो हाई बीम लो बीम है, जो ये लाइट रात के टाइम पे थ्रो करती है शाम में, तो उसको सेटिंग करने के बाद से है ये। लोग देख सकते हैं गाड़ी में इसका लोकेशन, लेफ्ट साइड इसके डोम के अंदर यहाँ है, देखो लेफ्ट साइड में। मैं इसको अब शाम के टाइम है, मैं रात के टाइम पे इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अब ये जो मैं लाइट का वीडियो है इसका नाइट वेव देखेंगे अपन लोग। तो इसका हाई बीम लो बीम देखो पहले आप लोग, तो इसके नीचे जो सेटिंग है, मैं जो रेगुलेटर पहले दिखाया था आप लोगों को, ये जो लाल कलर का चीज, मैं इसको आप रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो आप लोग दीवार पे देखो इसका। आप लोग देख सकते हैं मैं जैसा इसको रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो जो ऊपर नीचे हो रहा देखो लो बीम में। पहले गाड़ी लो बीम में रख के चेक कर लेना है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है। अब वो लो बीम का जो लाइन है उसको देखो आप लोग, तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रहा। तो जो ये है, ये रेगुलेटर है रेड कलर का, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से वो ऊपर नीचे होता। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लिए होंगे नाइट टाइम के विजुअल्स भी इसके। तो ये था आज का हमारा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।